जवाब कही ए जे कुछ कहू कुछ कहू दीपका देखिए हमारे गांव के प्रांगण में बैठे हुए हैं पार्टी है सारे लड़कों को और लाइव चला था कुछ बोले के तो बोला चढ़ा दिया कि चढ़ गया पहले चढ़ उन यहीं बिरंदों से खुलवा दिया और पगला लगा कि ट्रिन ट्रिन कर रहे नहीं अगर आगे करें दिक्कत कोरोना महामारी के कारण पूरा देश थम सा गया है। संक्रमण का प्रभाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 30 जून तक किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। लेकिन गाजीपुर में लॉकडाउन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन के रघुनाथपुर गांव का है। इस गांव के एक व्यक्ति उमा कुशवाहा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो करीब 50 लोगों को बाटी चोखा का दावत देते नजर आ रही हैं। लॉकडाउन को लोग किस तरह से मजाक समझ रहे हैं वो इस बात से समझा जा सकता है कि बाटी चोखा की इस दावत को बकायदे फेसबुक पर लाइव किया गया। दरअसल उमा कुशवाहा आने वाले पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले हैं जिसको लेकर उन्होंने दावत दी थी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिला प्रशासन द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में कुछ ऐसे भी वीडियो निकल के आ रहे हैं जो फेसबुक से लाइव किए जा रहे हैं, वो पार्टी मनाते हुए बहुत सारे भीड़ भी दिखाए जा रहे हैं। सर किस तरह का मामला है और क्या जिला प्रशासन एक्शन लेगा? ये एक वीडियो कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर के अंतर्गत प्रकाश में आया है जो रघुनाथपुर गांव का ऐसा लोग बता रहे हैं। उस वीडियो को हमने इंस्पेक्टर कोतवाली सदर को भेजा है, जांच करके अगर सत्यता पाई जाएगी तो अभी पंजीकृत करके इन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे में मतलब इस तरह के लोग न कर सके क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए ये सबके हित में है, वैश्विक महामारी का दौर है, इसमें अगर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो स्वयं तो शिकार होंगे ही, सारे अन्य लोगों को अपने परिजनों के साथ साथ संपूर्ण समाज को भी खतरे में डालने का कार्य करते हैं और इसको रोकने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देश कोरोना जैसे संकट से गुजर रहा है, महामारी एक्ट लागू है, लॉकडाउन लागू है, लेकिन इन लोगों को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि एसपी ने इस मामले में कार्रवाई की बात की है, पर सवाल उठता है कि लोग आखिर अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार कब होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। मतलब लॉकडाउन में अपने गांव घर के लोगों को अपने यहाँ पत्थर गोलियां दिया देखा थी कुछ कह रहे थे लाइव कुछ कहोगे।